मैनपुरी में हैंड ग्रेनेड मिला है। मुलायम सिंह के नामांकन से पहले ये हैंड ग्रेनेड मिला है। आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में मुलायम सिंह नामांकन भरेंगे। मुलायम सिंह यादव के काफिले की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव नामांकन भरने के लिए रवाना हुए हैं और जिस कुछ ही देर में नामांकन भर देंगे, लेकिन उससे पहले ही हैंड ग्रेनेड मिला है। मुलायम सिंह यादव के काफिले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैनपुरी में हैंड ग्रेनेड मिला है। इटावा से मैनपुरी के लिए रवाना है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के नामांकन से पहले ही हैंड ग्रेनेड मिला है। आला अधिकारी मैनपुरी के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में मुलायम सिंह नामांकन करेंगे। मुलायम सिंह यादव के काफिले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैनपुरी में हैंड ग्रेनेड मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनपुरी में हैंड ग्रेनेड मिला है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, तस्वीर में आप देख सकते हैं हैंड ग्रेनेड मिला है मैनपुरी में। कुछ ही देर में मुलायम सिंह नामांकन करेंगे और उनके वहां नामांकन करने से पहले ये हैंड ग्रेनेड मिला है। जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर और खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो हैंड ग्रेनेड है जो मुलायम सिंह यादव के वहां नामांकन करने से पहले मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनपुरी में हैंड ग्रेनेड मिला है। लगातार कुछ समय से आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, जिसके चलते सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, हैंड ग्रेनेड मिलना, आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। रवाना हो चुकी है एक टीम मैनपुरी के लिए और मुलायम सिंह यादव के काफिले की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं, मैनपुरी में हैंड ग्रेनेड मिला है। यही वो हैंड ग्रेनेड है जो मिला है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। और हमारे संवाददाता प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, हैंड ग्रेनेड मिला है, बड़ी बात है। जी मैम जी, क्या जानकारी आपके पास? NH2 पे जिस इटावा से मुलायम सिंह मैनपुरी के लिए नामांकन के लिए आ रहे थे, उसी रूट पे एक हैंड ग्रेनेड मिला है। वो बच्चों ने पहले देखा, उसके बाद पुलिस को बताया गया। पुलिस के आला अधिकारी मैनपुरी से पहुंच चुके हैं वहां पे, और मुलायम सिंह के काफिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुलायम सिंह के काफिले को उस रूट डायवर्जन कर दिया गया है। पहले वो शहर के अंदर से आ रहे थे, लेकिन अब उनका रूट चेंज करके बाईपास से कलेक्ट्रेट परिसर में लाया जा रहा है। जी प्रवीण, क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक, ये हैंड ग्रेनेड कहां से आया है? सड़क के किनारे इस तरीके से लावारिस हालत में कैसे पड़ा है? नहीं, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है मैम। अब अधिकारी जांच करने के बाद बताएंगे कि ये हैंड ग्रेनेड कहां से आया है, जांच चल रही है मैम। बिल्कुल प्रवीण, मुलायम सिंह यादव अब नामांकन भरेंगे कुछ ही देर में, वहां पर टीम भी रवाना कर दी गई है इसकी जांच के लिए। क्या कुछ जानकारी है इस बाबत? अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये हैंड ग्रेनेड कहाँ से आया है, लेकिन पुलिस पूरी सुरक्षा के साथ मुलायम सिंह का रूट डाइवर्ट करके अपनी सुरक्षा में मुलायम सिंह को बैनपुरी नामांकन के लिए ला रही है और उसकी जांच चल रही है कि कहाँ से ये हैंड ग्रेनेड यहाँ पे सड़क पे आया मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे मैनपुरी से, तमाम जानकारी वो दे रहे थे। सड़क के किनारे ये हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ है जो बच्चों ने पहले देखा था, जिसके बाद इसकी सूचना दी गई है। और इसी सड़क से, इसी रूट से मुलायम सिंह यादव का काफिला निकलने वाला था, उससे पहले ये हैंड ग्रेनेड दिखाई दे गया, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के काफिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ उनका जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि अब वो बीच में से, शहर के बीचों बीच से नहीं आ रहे हैं, वो बाहर बाईपास से अब निकल रहे हैं। अरे बहुत बुरा।